किन कारणों से भारत पोखरण सेकेंड किया, मतलब परमाणु बम बनाया, फिर इसके बाद जो है वर्तमान परमाणु नीति, वर्तमान परमाणु नीति का मतलब पोखरण सेकेंड के बाद की नीति, फिर इसके बाद जो है इसका विश्लेषण, परमाणु नीति का जो है समस्या, परमाणु नीति का महत्व, तो कभी कभी जो है शॉर्ट नोट्स जो है नो फर्स्ट यूज पर भी आता है, कभी जैसे शॉर्ट नोट्स आता है कि भारत की नो फर्स्ट यूज जो नीति है वो कहां तक कारगर है, तो फिर इसको अलग से पढ़ लिया जाएगा। फिर आता है कि भारत की परमाणु नीति, तो भारत की परमाणु नीति तो कभी कभी पूछता है कि भारत की वर्तमान परमाणु नीति क्या है, फिर हम लोग इसको लिखेंगे, फिर इसका विश्लेषण पूछता है। कभी कभी शॉर्ट नोट्स आता है कि भारत किन कारणों से जो है वो देखा जाए तो पोखरण सेकंड किया, किन कारणों से जो है परमाणु नीति में परिवर्तन आया, तो फिर ये कारण लिखना पड़ता है। और कभी मान लीजिए यूपी में ऐसे आ जाए तो सब लिख डालिएगा। नो फर्स्ट यूज नीति में कोई ये थोड़ा संशोधन हुआ है, वो तो नीति तो है ही है पोखरण वाली, वो तो केवल ये कहा गया है कि यदि रासायनिक और जैविक हथियारों से हमला होता है तो हम लोग परमाणु बम का प्रयोग कर सकते हैं, बस यही तो किया गया है। तो नो फर्स्ट यूज जो है वो देखा जाए तो नो फर्स्ट यूज का जो पॉलिसी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ, पिछले साल क्वेश्चन भी आया था मेरे समझ से यूपीएससी में, ऐसे आता भी रहता है, इंपॉर्टेंट चीज है नो फर्स्ट यूज। ये तो काफी पुराना बात है, ये तो वैसे 4-5 साल पहले का बात है, जब सरकार आई थी उसी समय। नहीं, लेकिन भारत की परमाणु नीति में ऐसा लिखा नहीं है, ऐसा लिखा नहीं। जो परिवर्तन हुआ था एक लाइन, वो मैंने बताया कि परिवर्तन उसमें करके जो है हम लोगों ने कह दिया कि भाई यदि हमारे यहाँ जैसे सरकार ने कह दिया कि यदि कोई रासायनिक जैविक हथियारों से हमला होता है, कुछ होता है, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब समझिए पहले न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भारत का। तो देखिए भारत में जो है परमाणु नीति का जो प्रारंभ है वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों से शुरू हुआ था। शांतिपूर्ण उद्देश्यों का मतलब यह है कि कहीं कहीं हम लोग भाई परमाणु तकनीक का प्रयोग केवल परमाणु बम बनाने में नहीं होता है, तो परमाणु तकनीक का प्रयोग जल संरक्षण में है, पर्यावरण है, तमाम स्वास्थ्य के संदर्भ में है, तो हम लोगों ने उसी हिसाब से जो है अपनी परमाणु नीति का प्रयोग करना शुरू किया था शुरुआती दौर में। लेकिन आप देखे होंगे कि 1974 में हम लोगों ने जो विस्फोट किया वो भी परमाणु बम बनाने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन 1998 में जो हम लोगों ने पोखरण सेकंड किया तो हम लोगों ने बकायदे जो है परमाणु बम बनाया। तो आप देखते हैं कि इस तरह से हमारी जो परमाणु नीति रही है वो गतिशील रही है। जब हम लोग आजाद हुए थे तो आजादी के बाद जो है संसद ने 1948 में जो है एटॉमिक एनर्जी एक्ट पारित किया था, परमाणु शक्ति अधिनियम पारित किया था,
और यहीं से हम लोग की जो 1948 में जो परमाणु शक्ति अधिनियम पारित किया गया वहीं से हमारा जो है परमाणु कार्यक्रम शुरू होता है। फिर आप जानते हैं कि 10 अगस्त 1948 को जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में जो है परमाणु ऊर्जा आयोग बनाया गया, एटॉमिक एनर्जी जो है काउंसिल का गठन हुआ था। और फिर आपको ध्यान होगा कि 1954 में 3 अगस्त 1954 को जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परमाणु शक्ति विभाग की स्थापना हुई। तो हमारे यहाँ आजादी के बाद परमाणु शक्ति विभाग भी नहीं था, बल्कि नेहरू जी ने जो 1954 में जो है परमाणु शक्ति विभाग की स्थापना किया। अब समस्या ये था कि हम लोग जो है बार बार संसद के भीतर चर्चा करते थे कि हम लोग अपने परमाणु कार्यक्रम में क्या क्या कर रहे हैं, तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होती थी। तो 1962 में एटॉमिक एनर्जी एक्ट में जो है परिवर्तन करके एक लाइन लिख दिया गया कि भाई भारत सरकार जनता के कल्याण के लिए या अन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु कार्यक्रम का प्रयोग कर सकती है। तो अब इससे क्या हुआ कि संसद के भीतर चर्चा करने का जो उद्देश्य रहा वो खत्म हो गया और सरकार को अधिकार मिल गया कि सरकार अपने हिसाब से बातचीत करेगा, अपने हिसाब से आदेश निर्देश देगा। तब जानते हैं कि इससे दूसरे देश जो है पता कर लेते थे कि हमारे यहां क्या क्या होता था, गोपनीयता हम लोग की समाप्त हो जाती थी। 1974 में जो है अब जानते हैं कि भारत सरकार ने जो है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण जो उपयोग है पोखरण जो फर्स्ट किया गया। तब जानते हैं कि यहां पर जैसे मैं बताया था कि 1000 TNT उस दिन बताया था ना, 1000 TNT ट्राइनाइट्रोटॉल्युइन, तो 1000 TNT से नीचे का जो परीक्षण होता है वो परमाणु बम नहीं होता है। 1000 TNT से ऊपर का जो परमाणु परीक्षण होता है वही परमाणु बम होता है। तो हम लोग का 1974 का जो विस्फोट था वो 1000 TNT से कम का था, एक 300 का था, एक 700, 550 और इस तरह से था। तो परमाणु कार्यक्रम वो नहीं था, परमाणु बम का उपयोग नहीं था, बल्कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग हुआ था। उसको हम लोग कहते हैं पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के संदर्भ में विस्फोट किया गया। लेकिन आप देखेंगे कि 1998 में जो है, अभी मैं कारण बताता हूं, 1998 में कुछ कारणों से भारत सरकार को लगा कि नहीं परमाणु कार्यक्रम का जो है जो पीसफुल जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है वो देखा जाए तो तक संगत नहीं है, और इस तरह से जो है PNE को हम लोगों ने बदल दिया और इस तरह से परमाणु बम का प्रयोग, मतलब कि परमाणु जो तकनीक है उस परमाणु तकनीक का प्रयोग करके भारत ने जो है 1998 में जो है मई 1998 में परमाणु बम बनाया। तो आप देख रहे हैं कि आजादी से लेकर भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है वो परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहा है। परिचालन भूमिका लिखिए, आजादी के बाद संसद ने उन्नीस सौ अड़तालीस में परमाणु शक्ति अधिनियम पारित किया, दस अगस्त 1948 को जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया, और 3 अगस्त 1954 को परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया, एटॉमिक एनर्जी काउंसिल ब्रैकेट में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया, और 3 अगस्त 1954 को 54 को पीएम की अध्यक्षता में
सौर शक्ति विभाग की स्थापना हुई। परमाणु शक्ति विभाग की स्थापना हुई। और 1962 में और 1962 में 1962 में एटॉमिक एनर्जी एक्ट में परिवर्तन करके परमाणु शक्ति अधिनियम में परिवर्तन करके भारत सरकार को अधिकार दिया गया कि भारत सरकार को अधिकार दिया गया कि भारत सरकार को अधिकार दिया गया कि वह जनता के कल्याण के लिए जनता के कल्याण के लिए परमाणु शक्ति का उपयोग करे, जनता के कल्याण के लिए परमाणु शक्ति का उपयोग करे, परमाणु शक्ति का उपयोग करे। इसी संदर्भ में 1974 में इसी संदर्भ में 1974 में ब्रैकेट पोखरण फर्स्ट, इसी को पोखरण फर्स्ट कहा जाता है, इसी संदर्भ में 1974 पोखरण फर्स्ट 1974 में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए विस्फोट किया गया, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए विस्फोट किया गया। और 1998 में विस्फोट करके परमाणु बम बनाया गया, और छोटा सेविंग रहिए, पोखरण फर्स्ट के बाद नीति, पोखरण फर्स्ट के बाद परमाणु नीति, ऐसे क्वेश्चन आता है ना कि पोखरण फर्स्ट और पोखरण सेकेंड, कि जो पोखरण फर्स्ट के बाद जो परमाणु नीति थी और जो वर्तमान परमाणु नीति है उसमें क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस भी लिख देंगे। कैसे, अभी मैं मान लीजिए इसको बताऊंगा, यहां बताऊंगा, तो दोनों को अंतर लिख दीजिएगा, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का सब्जेक्ट है ना, इसमें इधर उधर कुछ नहीं हो सकता, इसमें न तो मैं कम कर सकता हूं न तो आप कम कर सकते हैं। जीएस में तो क्या, जीएस में बच्चा लोगों का क्वेश्चन आता है, इतना परमाणु नीति पढ़ने का जीएस का क्वेश्चन क्या पूछा होगा, कुछ नहीं। अभी परमाणु नीति आप लोग पढ़ रहे हैं, जीएस में उसी का छोटा, अब जीएस में हम लोग पढ़ाते हैं तो सामान्यतः क्या करते हैं, ज्यादा कहानी नहीं, सीधा समान रूप से परमाणु नीति क्या है, उसकी क्या समस्या है, क्या महत्व है, नो फर्स्ट यूज क्या है, काम खत्म हो गया, क्योंकि वहां पर इतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, मतलब उतना तुलनात्मक नहीं पूछेगा। अब पहला चीज देखिए, पोखरण फर्स्ट के बाद परमाणु नीति, उन्नीस सौ अड़तालीस में तो भाई हम कहते हैं देश तो 1947 में आजाद हो गया, हम सब एक तरह से देखा जाए तो 1947 से लेकर हम लोग क्या जो है 26 जनवरी 1950 तक हम लोग का संविधान 1935 के अधिनियम से चलता रहा, तो हम लोग आजाद तो यहां हो गए, लेकिन हम लोग अपनी अपनी संप्रभुता भी प्राप्त कर लिए, लेकिन हम लोगों का चूंकि संविधान नहीं बना था इसलिए हम लोग 1935 के अधिनियम से गवर्न हो रहे थे, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग गुलाम थे, आजाद तो हम लोग 15 अगस्त 1947 को ही हो गए। हाँ, तो इसी यही कारण था कि 98 में और इधर 74 में हम लोगों ने छुपके ही काम किया था। नहीं, बताता हूँ, देखिए जैसे मैं बताया, हाँ, मतलब कि ऐसे समझिए
कि जैसे हम लोग जो है कोई भी देश अपना जो परमाणु कार्यक्रम है, तो देखिए परमाणु जो कार्यक्रम होता है तो परमाणु कार्यक्रम के बारे में जैसे अभी मैं आप लोग पढ़ाऊंगा विभिन्न देशों के साथ जो परमाणु समझौता हुआ है तो उसमें एक क्लाज लिखा गया है सभी देशों के साथ। तो आप जानते हैं कि उस क्लाज में लिखा गया कि हम लोगों का कार्यक्रम दो तरीके का है, एक सिविल कार्यक्रम है एक नॉन सिविलियन है। नॉन सिविलियन का मतलब परमाणु बम वाला जो कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो जो आईएईए है वो हम लोग क्या जो नॉन सिविलियन है उसमें किसी प्रकार का न तो टोका टिप्पणी करेगा, न तो हस्तक्षेप करेगा, न तो निगरानी करेगा, न तो जांच करेगा। हम लोग क्या जो सिविलियन जो रिएक्टर है केवल उसी रिएक्टर की जांच होती है, केवल सिविलियन रिएक्टर का ही जांच होता है, मतलब कि बिजली बनाने वाला जो रिएक्टर है उसी का जांच वो लोग कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वो देखा जाए तो किसी भी देश में क्या होता है कि जैसे आजादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई लेकिन हम लोग का अपना संविधान नहीं था तो हम लोगों ने अपनी सहमति से 1935 का अधिनियम स्वीकार किया, क्योंकि जो व्यवस्था चल रही है कम से कम चलती रहे। जब संविधान बन के तैयार हो गया तब जानते हैं कि हम लोगों के यहां जो है वो देखा जाए तो मान लीजिए 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने पूरा संविधान लागू कर दिया। लेकिन पूरा संविधान लागू करने से पहले ही आपको ध्यान होगा कि 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने जो है देखा जाए तो संविधान को स्वीकार कर लिया था। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान को अंगीकृत करना, अधिनियमित करना, आत्मर्पित करना, ये तीनों तारीख जो है 26 नवंबर 1949 है। संविधान को लागू दो चीजें होती हैं, एक तो होता है एडाप्टेड, लिखे उखे एडाप्टेड, एक होता है इनफोर्स। एडाप्टेड का मतलब हमारे यहां 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने एडाप्ट किया संविधान को, तो उस दिन हम लोगों ने जो है वो देखा जाए तो उस दिन बहुत सारे अनुच्छेदों को हम लोगों ने लागू कर दिया था, तमाम सिटीजनशिप, अंतरिम संसद, चुनाव आयोग, सब व्यवस्था हम लोगों ने लागू कर दिया था। लेकिन संविधान का जो है देखा जाए केवल 17-18 अनुच्छेद ही लागू हुआ था एक तरह से देखा जाए था। तो अब जानते हैं कि 17-18 अनुच्छेद जो लागू हो गया, अब इसके बाद भाई अब पूरा संविधान लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950, इसलिए इनफोर्स का जो तारीख है वो 26 जनवरी 1950 माना जाता है। और जो कभी पूछे कि एडाप्टेड कब किया गया, स्वीकार कब किया गया, तो स्वीकार करने का तारीख 26 नवंबर 1950, क्योंकि मान लीजिए हम कहते हैं कि हम लोगों ने कुछ अनुच्छेद लागू कर दिया था 26 नवंबर 1950 को, लेकिन ऐसे समझिए व्यवहारिक बात कि हम कहते हैं कि 394 अनुच्छेद में 395 अनुच्छेद में से हम लोगों ने जो है यदि मान लीजिए 10-15 अनुच्छेद लागू ही कर दिया तो संविधान थोड़ा ना लागू हुआ। भाई हम कहते हैं मैं भोजन करने जा रहा हूं, मान लीजिए 2-4 सलाद खा लिया, 2-4 गाजर खा लिया, तो उसको ये थोड़ा कहा जाएगा कि भोजन हमने कर लिया। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि लागू करने की तारीख 26 जनवरी रखी जाएगी, क्योंकि संविधान पूर्णतः लागू कैसे किया गया, तो हर देश में ऐसे ही चलता है। यहीं पर इसको रोके तो मैं बता रहा था पोखरण फर्स्ट के बाद परमाणु नीति, अब एक एक समझाता हूं। तो देखिए मैं बताया कि जो पोखरण फर्स्ट 1974, तो 1974 का जो जब हमने परमाणु जो विस्फोट किया वो शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए था, तो 1974 से लेकर जो है वो देखा जाए तो पोखरण सेकंड तक हमारा जो परमाणु नीति रहा है वो हम लोग को लिखना है। तो इसमें पहला चीज क्या होगा कि भाई जो हम लोग का शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु नीति को हम लोगों ने बढ़ावा दिया, और यह परमाणु जो नीति हमारी थी जो यूएन है चाहे अंतर्राष्ट्रीय कानून है चाहे अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं ये मानती हैं कि हम लोग जो है शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु कार्यक्रम चला सकते हैं, तो देखा जाए तो यह यूएनओ की मान्यता से भी मेल खाता था, अंतर्राष्ट्रीय कानून से भी मेल खाता था, और किसी संधि का कोई उल्लंघन भी नहीं करता था। और जो हम लोगों ने पोखरण फर्स्ट किया वो भी हमने भूगर्भ में ही किया था, तो मैं आप लोगों को एलटीबीटी पढ़ाया था, उस एलटीबीटी का भी उल्लंघन नहीं हुआ था। नंबर एक, भारत शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु नीति को बढ़ावा दिया, भारत शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु नीति को बढ़ावा दिया। जो जो यूएनओ या यूएन एक ही बात है, जो यूएन अभी अंतर्राष्ट्रीय कानून यूएन अभी अंतर्राष्ट्रीय कानून
अवलिक अन्य संस्थाओं की मान्यताओं से मेल खाता था, अवलिक अन्य संस्थाओं की मान्यताओं से मेल खाता था। अवलिक अन्य संस्थाओं की मान्यताओं से मेल खाता था। दूसरा बात समझिए, एग्जॉस्ट बंद करो, जब एसी चलता है तो एग्जॉस्ट बंद करना चाहिए। दूसरा बात समझिए, जैसे आप देखते हैं कि ये जो पोखरण फर्स्ट हम लोगों ने किया, तो भारत द्वारा जो है इसमें जैसे विद्युत उत्पादन किया जाता है, या हमारे लिए पर्यावरण है, जल संरक्षण है, इन सब संदर्भों में हम लोग खोज जो अनुसंधान करते हैं, तो उसमें भी तो आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है कि भाई हम जैसे मान लीजिए यूरेनियम है, तो हम लोग जो है मान लीजिए हम लोग जो है बमबारी करते हैं न्यूट्रॉन का, तो कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, कितने समय तक बमबारी हो रही है, कितने टाइम में, तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, यही तो परमाणु बम है। हमको साइंस भूल गया है, न तो याद है न तो साइंस पढ़ाना है हमको, तो बस ये दो चार लाइन मान लीजिए अपने पढ़ते समय याद था तो बता दिया। तो ये जो जो नाइट्रोजन है, तो आप देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है बमबारी होगा, तो मैं उस दिन बता रहा था कि इससे तीन नाइट्रोजन निकलेगा, फिर तीन से तीन निकलेगा, ऐसे ऐसे निकलेगा, तो कितना एनर्जी कितने समय में रिलीज होगा, यदि हम लोग इसको पता कर लें तो उसका प्रयोग हम लोग अन्य चीजों में कर सकते हैं। तो हम लोग का विस्फोट करने का उद्देश्य था आंकड़ों को एकत्रित करना। अभी प्रदूषण कम नहीं हुआ है, अभी वैसे ही हाँ, लेकिन अभी है कि क्या करेंगे, सब पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। नंबर दो लिखिए कि 1994 द्वारा, अरे 1974 के परीक्षण से भारत विद्युत उत्पादन पर्यावरण जल संरक्षण आदि संदर्भों में अनुसंधान खोज के लिए आंकड़े एकत्रित करना चाहता था। इसी को देखिए भाई, जैसे कोई भी डिपार्टमेंट होता है तो परमाणु शक्ति से संबंधित जो आधारभूत संरचना है, तो हम लोग की जो परमाणु नीति रही कि हम लोग जो है वह परमाणु शक्ति से संबंधित जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस आधारभूत संरचना का हम लोग अच्छा से निर्माण कर लें, परमाणु शक्ति के क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भर बन जाए कि भाई छोटा मोटा प्रयोग है, जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं स्वास्थ्य है, चाहे पर्यावरण है, चाहे जल संरक्षण है, तो आप देखते हैं कि आजकल जो समुद्र का जो जल है, उस समुद्र के जल को पेयजल बनाने में जो है परमाणु तकनीक का ही प्रयोग होता है, जो अमेरिका के पास भी है, ब्रिटेन के पास भी है, फ्रांस के पास भी है, लेकिन वो तकनीक उन सबों ने हम लोगों को नहीं दिया है। भाई हम लोग को तकनीक दे देते, बताइए मोदी साहब जो है वहां से पानी कच्छ तक पूरा पाइप बिछाया गया है ना, हम गुजरात जाएंगे तो वहां पर लगभग 1,500 किलोमीटर जो पाइप बिछाया गया है, मोदी साहब ने बिछवाया था, यहां से पानी जाता है कच्छ की तरफ, तो बताइए उतना पाइपलाइन बिछाने की जरूरत क्या है, अरे वही समुद्र है ना, उसी पानी को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, पेयजल बन जाएगा, लेकिन हम लोग पास वो तकनीक तो है नहीं। यदि हम लोग के पास ये तकनीक आ जाए तो फिर जल का कोई दिक्कत नहीं है, अरे समुद्र में पानी तो है ही है, वही लग जाएगा चारों तरफ, भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, बस यहां सब तो हम लोग सुरक्षित हो गए ना सब पेयजल। तो हम कहते हैं कि मान लीजिए वहीं से पाइपलाइन हम लोग बिछा उछा देंगे थोड़ा बहुत, इधर उधर हो गया खत्म। अभी तो हम लोग कि भाई जल संरक्षण करना है, तब जल संरक्षण का टेंशन नहीं है, तो उसी पानी को कन्वर्ट करने का टेंशन है कि कितना मशीन और लगा दे, पेयजल बन जाएगा सब, अभी तो खारा पानी होता है ना, तो पेयजल तो है नहीं, लेकिन हम लोग परमाणु तकनीक से उसको पेयजल बना सकते हैं। नंबर तीन, इस चरण में परमाणु शक्ति से संबंधित
इस चरण में परमाणु शक्ति से संबंधित, परमाणु शक्ति से संबंधित आधारभूत संरचना का, परमाणु शक्ति से संबंधित आधारभूत संरचना का निर्माण करना, आधारभूत शक्ति संरचना का निर्माण करना तथा परमाणु शक्ति के क्षेत्र में, तथा परमाणु शक्ति के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना था, परमाणु शक्ति के संदर्भ में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना था, इसे पर देखिए। जैसे आप देखते हैं कि इस चरण में जो है यहां पर भी भारत परमाणु जो निःशस्त्रीकरण है, पूर्ण निःशस्त्रीकरण की जो बात है उसको भारत स्वीकार करता है। आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है भारत ने पूर्ण निःशस्त्रीकरण का यहां पर भी समर्थन किया। इसीलिए आपको ध्यान होगा कि पीटीबीटी संधि पर हस्ताक्षर किया, पीटीबीटी एलटीबीटी एक ही बात, पीटीबीटी संधि पर हस्ताक्षर किया। भाई एनपीटी और सीटीबीटी संधि पर हस्ताक्षर करने का मूल कारण यह नहीं था कि परमाणु बम हमको बनाना है, उन संधियों में कमी था, भेदभाव मूलक संधियां थी, विश्व को दो भागों में बांटती थी, इसलिए भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया। तब देख रहे हैं कि भारत जो है यहां पर भी पूर्ण निःशस्त्रीकरण का समर्थन कर रहा है, इसीलिए भारत पीटीबीटी पर हस्ताक्षर किया। यदि भारत की मंशा परमाणु बम बनाने की होती तो पीटीबीटी पर ही हस्ताक्षर नहीं करता, जैसे चाइना ने नहीं किया था, जैसे फ्रांस ने नहीं किया था, लेकिन भारत ने तो उसी समय कर दिया था। तो भारत का जो इंटेंशन है परमाणु निःशस्त्रीकरण का वो यहां पर भी दिखाई देता है। अगला पॉइंट, भारत पूर्ण निःशस्त्रीकरण का समर्थन करता रहा, पूर्ण निःशस्त्रीकरण का समर्थन करता रहा, इसी कारण पीटीबीटी पर हस्ताक्षर किया, पीटीबीटी अभी एलटीबीटी, एलटीबीटी पर हस्ताक्षर किया। वहीं देख के लिख दीजिएगा एनपीटी सीटीबीटी पर, एनपीटी सीटीबीटी पर, एनपीटी सीटीबीटी पर हस्ताक्षर न करने का मूल कारण संधियों में कमियां थी, संधियों में कमियां थी। देखिए आप देख रहे हैं कि भारत कह रहा है, लेकिन भारत ने कभी यह नहीं कहा कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे। परमाणु निःशस्त्रीकरण का समर्थन करने का मतलब यह नहीं हुआ कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस चरण में भारत ने जो है वो देखा जाए तो शांतिपूर्ण उद्देश्य को स्वीकार किया, लेकिन भारत ने कभी भी यह नहीं कहा कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि भारत अपना विकल्प यहां पर भी खोला रखा, क्योंकि भारत कहीं पर परमाणु युद्ध में बोला ही नहीं कि परमाणु बम नहीं बनाएंगे, तो हम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं, हम आगे कुछ बोल नहीं रहे हैं कि परमाणु बम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। इसका मतलब बना भी सकते नहीं भी बना सकते हैं। हमें कहते हैं एनएसजी की संस्था का जो है चीन ने खुलकर तो विरोध नहीं किया ना, चाहे यूएनएससी में मान लीजिए स्थायी संस्था का बात होता था तो चीन कोई खुलकर विरोध थोड़ी न करता था। तो बताइए कोई मान लीजिए चीन नहीं विरोध किया या नहीं हां किया, तब अपने मन से हां ना कैसे मान लिए, मान कोई व्यक्ति ना हां बोला ना बोला, इसका मतलब हां भी बोलवा सकते हैं ना भी बोलवा सकते, वो आपका प्रतिभा है। तो हम कहते हैं यहां पर देखा जाए तो चाइना के साथ भी वही है कि हम लोगों ने यहां पर कुछ नहीं बोला कि हम परमाणु बम बनवाएंगे कि नहीं बनाएंगे क्या करेंगे, हम लोगों ने अपना विकल्प खुला रखा। अगला पॉइंट, इस चरण में भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के साथ, इस चरण में भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के साथ, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के साथ परमाणु बम बनाने के विकल्प को भी खुला रखा,
परमाणु बम बनाने के विकल्प को भी खुला रखा। क्योंकि परमाणु नीति में कभी भी इसकी बात नहीं की। अब अभी भाई, भारत ने पोखरण सेकंड क्यों किया? भारत ने पोखरण सेकंड क्यों किया या परमाणु बम क्यों बनाया? ये तो पूछ सकता है कि भारत ने परमाणु बम क्यों बनाया, तो ये लिख दीजिएगा और क्या, किन कारणों से भारत पोखरण सेकंड किया। देखिए, जैसे आप लोग थ्योरी पढ़ा रहे थे, बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी देश का प्राथमिक हित होता है, यह उत्तरजीविता का मुद्दा होता है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है, जिसे जीवन से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। जीवन से व्यक्ति को कभी कोई समझौता नहीं करना चाहिए। देखिए, जो लोग हैं समझदारी से, वो अपने स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं कर सकते। कितना भी काम खराब हो गया, पता नहीं कोई घर में मर भी गया, तब भी देखा जाए तो अपना खाना पीना जारी रखते हैं। ठीक है, तो आना जाना है, अरे भाई लोग आए हैं तो जाएंगे, मैं आया हूं तो जाऊंगा, तो कन्फर्म, और कुछ हो चाहे मत हो, इतना तो कन्फर्म है कि आ गए हैं तो निकलना ही है। और तो मान लीजिए माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी लगाओ तो होता ही है। लेकिन समझदार व्यक्ति जानता है कि हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, सब लोग अपना सब उससे संबंध है, लेकिन हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। वो देखिए कितने लोग एकदम बेचारे जो है, पता नहीं एग्जाम में चले गए, उनके टेंशन में भी निकल गए, और उनके साथ आए थे, अकेले ना आए थे। इतना भी भावना नहीं रखना चाहिए कि पागल होकर पता चले कि जो है कोई चला गया, उसी के चक्कर में आप भी कूद गए। कितने लोग देखिए, मान लीजिए प्रेम वेम देखते हैं, छप्पे से कूद जाते हैं, अरे क्यों कूद गए, साथ आए थे, तो साथ नहीं आए थे तो चैन से रही, अकेले अकेले ही तो आए थे, आए तो थे अकेले ही। हाँ, साथी आए हो तो तब तो बात समझ में आ जाता कि चलिए भाई साथी आए थे। इतना नहीं भावनात्मक होना चाहिए, बोले ना कि 50% भावना भी रखना चाहिए, 50% तर्क भी रखना चाहिए, इतना पागल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में कोई पूछेगा। अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, नहीं बनेंगे तो कोई पूछने वाला क्या? वही लोग जो सबसे ज्यादा जो लोग आपको चाह रहे हैं, वही लोग छोड़ देंगे। बेकार का व्यक्ति है, तो जीवन में कर नहीं पाया, तो मन हम करते हैं लोग कह देंगे, आपको सुनना पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, उस समय चेतना आकर क्या करेगी, अब तो समय निकल गया, खत्म हो गया। क्या वर्षा जब किसी सुखाने, अब वो क्या सोच रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो है, जो पहला कारण है, आप देख रहे हैं कि भारत के पड़ोस में चीन जो है परमाणु शक्ति संपन्न देश। चीन ने परमाणु बम कब बनाया, बोलिए जल्दी से, कितनी बार बताया हूं, जल्दी से बोल दीजिए। अब उसमें क्या हम सोच रहे हैं, अरे अभी कल ही परसों जो पढ़ा रहा था तो बताया था 1964। तो आप देख रहे हैं कि 64 में परमाणु बम चीन ने बना लिया। आप देख रहे हैं कि अब चीन ने बना लिया तो चलिए वहां तक तो भारत को बर्दाश्त था, लेकिन जो चीन पाकिस्तान का संबंध मधुर हुआ, जो निक्सन डिप्लोमेसी के कारण चीन पाकिस्तान अमेरिका का संबंध मधुर हुआ, तो चीन पाकिस्तान के संबंधों में जो प्रगाढ़ता आई, तो भारत को यह लग गया कि कहीं कहीं अब चीन से परमाणु बम जो है पाकिस्तान भी चला गया होगा। अब पाकिस्तान के पास चला गया, और पाकिस्तान से हमारा जो दूसरे तरह का इतिहास के बोझ का दुश्मनी है, तो ऐसी दिशा में भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा महसूस होने लगा। और भारत के पास एक ही विकल्प था कि हम भी परमाणु बम बनाए, नंबर एक। भारत के पड़ोस में चीन, भारत के पड़ोस में चीन परमाणु, भारत के पड़ोस में चीन परमाणु शक्ति संपन्न देश था, परमाणु शक्ति संपन्न देश था। और भारत
परमाणु शक्ति संपन्न देश था। निक्सन कूटनीति के कारण पढ़ा तो था उस दिन, अच्छा आगे पढ़ाऊंगा। निक्सन कूटनीति के कारण चीन पाकिस्तान तथा अमेरिका का संबंध मधुर हो रहा था। चीन पाकिस्तान और अमेरिका का संबंध मधुर हो रहा था, अतः पाकिस्तान जैसे देशों में भी इसके प्रसार की संभावना थी। जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो रही थी। एक तो कारण ये था, दूसरा कारण ये था कि भाई ऐसा है कि जब मान लीजिए देखिए भारत यूएन में बार बार जाकर जो है परमाणु निशस्त्रीकरण की बात करता था, परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थन करता था, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है भारत की बातों को जो है आदर्शवादी स्वरूप में लिया जाता है कि भारत जो है ऐसा ही देश है, आता है अच्छा अच्छा बात करता है और चला जाता है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसको आदर्शवादी प्रारूप में लिया गया कि भारत ऐसा ही देश है जो शांतिपूर्ण अस्तित्व, अहिंसा और कहीं ना कहीं सह संबंध, यही सब अच्छा अच्छा जितना शब्द होता है उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके अपना भाषण समाप्त करता है। अब भारत को लगा कि कहीं ना कहीं जो है ये सब चीजों से मिला क्या, इन सब चीजों से क्या मिला, चीन का युद्ध, हाँ इन सब चीजों से क्या मिला, तो 1962। इसलिए भारत को लगा कि क्यों ना हमको भी यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। भाई जैसे मान लीजिए व्यक्ति अच्छा व्यवहार करता है तो सोचता है कि समाज में हमको अच्छा व्यवहार मिलेगा। जब मान लीजिए लोग दुष्टता का व्यवहार करना शुरू कर देते हैं तो देखिए कुछ दिन के बाद वो भी दुष्ट बन जाता है, कि जब इसी से प्रासंगिक बनना है तो फिर पूरा दुष्टता कर देते हैं। तो भारत ने भी सोचा कि परमाणु बम बना लेते हैं, जब आदर्शवादी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझ नहीं रहा कि परमाणु बम मत बनाइए, लोगों को खतरा हो जाएगा, मानव अधिकार या रेडिएशन तमाम समस्या, तो कोई समझने वाला नहीं है, तो उससे अच्छा है कि मान लीजिए परमाणु बम बना लिया भारत, तो कम से कम परमाणु बम बना, आज यूक्रेन के पास परमाणु बम होता तो रूस आक्रमण नहीं करता भाई, 99% तो आक्रमण नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है मान लीजिए हमें कहते गांव में किसी के पास राइफल है बंदूक है तो दूसरा देखिए राइफल से उस पर हमला नहीं करता है सामान्यतः, क्योंकि उसको पता है कि हम एक लोगों को मार दिए और मर गया तो फिर तो पूरे घर को साफ करके जाएगा, ये डर उसके मन में होता है। होता भी है गांव में ऐसे ही कि एक व्यक्ति को मार दिए तो कोई बात नहीं, एक तो हमारा चला गया भाई ना, अब बताता हूं उसके बाद देखा जाए तो सबको साफ करेगा, अब जो होगा सो होगा। नहीं सजा तो एक ही रखी, कहने का मतलब ये जो भय है पड़ोसी के मन में वो उसको गोली चलाने के लिए जो है रोकता रहता है कि नहीं भाई ऐसा मत करो क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगा। भाई मान लीजिए कोई व्यक्ति है मान लीजिए आप पर गोली चला रहा है, आप भी अपना रिवॉल्वर निकाल लिए तो उस व्यक्ति से केवल एक ही लाइन बोलेंगे कि भाई साहब कोई जरूरी नहीं कि आप ही का रिवॉल्वर चल जाए, हो सकता है पहले मैं चला दूं तब, इसलिए रख लीजिए, हो सकता है कि सोच विचार में पहले मैं ही चला दूं। तो मान लीजिए हमें कहते ये डर तो होता है ना, तो डर होता है तो भारत को लगा कि हम भी परमाणु बम बना लेंगे तो कुछ तो सुरक्षित हो जाएंगे। नंबर दो, भारत यूएन की स्थापना से ही पूर्ण निशस्त्रीकरण का समर्थन करता रहा, भारत यूएन की स्थापना से ही पूर्ण निशस्त्रीकरण का समर्थन करता रहा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन आदर्शवादी पहलुओं को गंभीरता से नहीं लिया गया।
इन आदर्शवादी पहलुओं को गंभीरता से नहीं लिया गया। अतः भारत को भी यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना पड़ा, भारत को भी यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। देखिए उस दिन बता रहा था कि विश्व स्तर पर सब परमाणु निशस्त्रीकरण का प्रयास चल रहा था, हमारी एनपीटी संधि बन गया था, एनपीटी पर भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया। फिर आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीटीबीटी संधि बन गया, उस पर भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया। अब फिर सबसे बड़ी बात है कि 1990 के बाद जो है आप देख रहे हैं कि विश्व में आर्थिक जो पहलू है वो महत्वपूर्ण हो गया। अब भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी। अब समस्या ये भारत को ये लगने लगा कि कहीं कोई आर्थिक संकट आया तो हमको हस्ताक्षर करना पड़ सकता है, जैसे यूक्रेन ने कर दिया, बेलारूस ने कर दिया। ये लोग जब अलग हुए तो इन लोगों का अर्थव्यवस्था खराब हो गया। जब अर्थव्यवस्था खराब हो गया तो ऐसे सामने रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब देशों ने कहा कि भाई सबसे पहले एनपीटी सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करिए, तब हम लोग मदद करेंगे। तो यूक्रेन अपना हस्ताक्षर कर दिया, क्या करें, मजबूरी था। अब वाणिज्य सपोर्ट करिए तो भारत को भी लगा कि हमारे भारी भाई जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे तो उसमें तो अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई, केवल 14-15 दिन के लिए विदेशी मुद्रा हमारे पास था, बस मामला तो एकदम खत्म हो चुका था। वो तो मान लीजिए मनमोहन सिंह साहब भगवान के अवतार के रूप में आए और इस तरह अर्थव्यवस्था को जो है उन्होंने संभाला। अरे भाई अर्थशास्त्री तो विश्व में कोई मतलब भारत का ऐसा कोई प्रधानमंत्री जिसको जो है वो देखा जाए तो सबसे अच्छा प्रधानमंत्री घोषित किया गया हो, मनमोहन सिंह साहब 2010 में सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री का विश्व पुरस्कार मिला है। मोदी जी को ऐसा कोई विश्व पुरस्कार नहीं मिला है, वो तो छोटा मोटा तमगा उमगा मिल जाता है वही दिखा देते हैं। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक प्रकार से कह सकते हैं, अरे भाई उनकी विद्वता पर, मनमोहन सिंह साहब की विद्वता पर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। दोबारा देने का चीन का भी सर्वश्रेष्ठ सम्मान मनमोहन सिंह साहब को मिला, चीन का भी सर्वश्रेष्ठ सम्मान। इसलिए नहीं कह रहा हूं, देखिए वो विद्वान व्यक्ति थे नहीं, मतलब एक बात करेंगे तो, अब तो भाई अब तो वृद्ध हो गए ना एक तरह से, अब वृद्ध हो गए तो उनका तो कुछ सुनता है नहीं। लेकिन अभी भी देखा जाए तो मान लीजिए सोच लीजिए अमेरिका जैसा देश ने कह दिया कि यदि मनमोहन सिंह साहब हमारे देश के वित्त मंत्री होते, ओबामा साहब ने कहा, ओबामा साहब ने भारत में बोल के गए थे, संसद में छोड़िए संसद में बोले थे कि यदि मनमोहन सिंह साहब हमारे देश के होते, हमारे यहां वित्त मंत्री होते तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था कुछ और होती। तो विश्व तो स्वीकार करता ही है उनकी विद्वता को। तो आप देख रहे हैं हम लोग की अर्थव्यवस्था खराब हो रही थी तो हम लोग को लगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी विंडो है वो अवसर की जो खिड़की है परमाणु बम बनाने का बंद हो जाएगा, इसलिए जल्दी से विस्फोट कर लो कि बाद में मान लीजिए अर्थव्यवस्था खराब भी होगी तो परमाणु बम तो रहेगा ना हम लोग के पास। ले दीजिए के बाद स्थितियों में निरंतर परिवर्तन आ रहा था, 1990 के बाद स्थितियों में निरंतर परिवर्तन आ रहा था। भू अर्थनीति को ज्यादा महत्व दिया गया, भू अर्थनीति को ज्यादा महत्व दिया गया।
भारत पर भी एनपीटी सीटीबीटी पर हस्ताक्षर के लिए दबाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन बिना विस्फोट के हस्ताक्षर करने से अवसर की खिड़की बंद हो सकती थी। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए G20 का सम्मेलन भारत में होगा, उसका लोगो भारत ने तैयार किया, उसमें भी कमल का फूल लग गया, ध्यान होगा आपको, उस पर विवाद हो गया, तो हम कहते हैं कमल का फूल जो है हम लोग का राष्ट्रीय पुष्प है, वो ठीक बात है, लेकिन कहीं कहीं भाई अब क्या करेंगे, विवाद करने वाले तो विवाद करेंगे ना, क्योंकि आपका चुनाव चिन्ह भी तो है, चुनाव चिन्ह ज्यादा महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय पुष्प के बारे में लोग कम जानते हैं। तो हम कहते हैं कि अब इंडोनेशिया, भाई इंडोनेशिया में तो बैठक हो रहा है, हाँ बाली, तो इंडोनेशिया के बाद जो है 2022-23 से भारत को अध्यक्षता मिलेगा। तो जिसने बताया, एक ये भी कारण था कि उस समय वाजपेयी जी की सरकार थी, और सरकार ने जो है वो देखा जाए तो पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस बात को लिखा था, भाई राम मंदिर बना या राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर कोई अचानक की बात थोड़ी, मैनिफेस्टो में बीजेपी का ही है, 370 हटाने का भी ही है, समाज सेवी संहिता लागू करने का ही है, ये तो भाई मैनिफेस्टो पढ़ के आपको वोट देना चाहिए था। तो हम कहते हैं कि मान लीजिए बीजेपी ने तो कहा है कि सरकारी नौकरी हम नहीं देंगे, सबको प्राइवेट सेक्टर नौकरी करना पड़ेगा, वो तो लिखा ही मैनिफेस्टो में, देखिए आप कि सरकारी नौकरी में कटौती की जाएगी और कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा और सभी लोग निजी क्षेत्र में अपना रोजगार करेंगे। अब मान लीजिए लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए बीजेपी के साथ आंदोलन कर रहे हैं, तो बीजेपी वाला क्या बोलेगा, मैनिफेस्टो नहीं पढ़े, एक आप इनको दीजिए तो पढ़ के अगली बार वोट दीजिएगा 2024 में, क्योंकि भाई जो पार्टी का एजेंडा, तो पार्टी का एजेंडा क्या था, वो तो मान लीजिए वाजपेयी जी तो कहते ही थे एजेंडा में, बार बार बोलते भी थे कि बीजेपी की सरकार बनी तो ऐसे समय भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया जाएगा, 370 हटाया जाएगा, ये सब बात तो एजेंडा में था ना। तो जब उसी दल की सरकार बनी तो उसने अपना एजेंडा लागू करना शुरू कर दिया। अगला पॉइंट, भारत में बीजेपी की सरकार थी जिसने अपने मैनिफेस्टो में चुनावी घोषणा पत्र में भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने की बात की, थी। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने की बात की थी। जिसे केवल पूरा करने का प्रयास हुआ। जैसे मान लीजिए बच्चा थोड़ा सा गलती करता है, गार्जियन उसकी जबरदस्त पिटाई कर देता है, लेकिन मनोवृत्ति दूसरी होती है ना, एक बार दो बार तीन बार चार बार पिटाई कर दिए बच्चे की, अब बच्चा को क्या पता चल गया कि ज्यादा ज्यादा यही काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बार बार वो गलती करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको पता चल गया कि बस इतना ही ये कर सकते हैं, दो चार लपाड़ा लगा सकते हैं, इससे ज्यादा इनके बस की बात नहीं है। ये बताइए, भारत जब कोई गलती नहीं किया, शांतिपूर्ण देशों के लिए पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, तब ध्यान होगा कि रूस को छोड़ दीजिए, सोवियत संघ को छोड़ दिए, तो बाकी सब देशों ने प्रतिबंध लगा दिया, एनएसजी बना दिया गया, उसी समय तो एनएसजी बनाया गया, तब तमाम एकदम विश्व में जैसे लगा कि भारत ने वास्तव में परमाणु बम बना लिया, भारत ने कह दिया कि परमाणु बम नहीं बनाया,
1000 TNT से कम का परीक्षण है, तब भी किसी ने विश्वास नहीं किया, सब प्रतिबंध लग गया, अमेरिका सहित अनेक देशों ने सब प्रतिबंध लगा दिया। तो वाजपेयी साहब ने सोचा कि जब कुछ नहीं किए तो सब प्रतिबंध लग गया, तो प्रतिबंध तो चल ही रहा है, प्रतिबंध समाप्त हो ना हुआ है, तो परमाणु बम ही बना लेते हैं, क्या दिक्कत आ गई भाई, परमाणु बम ही बना लेते हैं। क्योंकि जब मान लीजिए भारत ने परमाणु बम नहीं बनाया तो आपने ऐसे प्रतिबंध लगाए जैसे भारत ने परमाणु बम ही बना लिया हो, तो उससे अच्छा परमाणु बम ही बना लेते हैं। भारत ने सुपर, आपको ध्यान होगा कि अमेरिका के दबाव में रूस जो सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया, पड़े होंगे तमाम अमेरिका से तकनीक हम लोग मांगे, अमेरिका ने तकनीक भी नहीं दिया। इस तरह से देखा जाए तो परिस्थिति भी ऐसा रहा। अरे भाई बच्चा लोग देखिए, हम कहते हैं कि बच्चा कोई गलती करता है, अरे ठीक है गलती करता है, तो बच्चा है तो गलती करेगा ही थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ उसको समझाना भी पड़ता है, सिर्फ मार पिटाई से काम नहीं चलता है, समझाना भी पड़ता है, बाबू ठीक थोड़ा ना ये सब। तो यहां पर देखा जाए तो भारत पर ज्यादा प्रतिबंध हो गया, लिखिए कितना हुआ, 3-4 हो गया। अच्छा एक और लिखिए कि पोखरण फर्स्ट के बाद अमेरिका सहित अधिकांश देशों ने प्रतिबंध लगा दिए, इससे ज्यादा गंभीरता से लिया गया, अमेरिका के दबाव में रूस ने क्रायोजेनिक तकनीक नहीं दिया, इंजन तो दे दिया था, क्रायोजेनिक तकनीक नहीं दिया, इंजन तो दिया ही था, इंजन लेके क्या करेंगे, इंजन 10 इंजन आपको दे दिया, उसको एडजस्ट करना पड़ता है ना, कि माइनस जो है 273 में चलेगा कि माइनस 260 में चलेगा, माइनस 400 पे चलेगा, उसको एडजस्ट करना पड़ता है ना, हाई है ना। तो भारत ने अपना ही बना लिया, अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर नहीं दिया, अतः विस्फोट करने पर ज्यादा प्रतिबंध कारगर नहीं होता, अब चलिए वर्तमान परमाणु नीति। तो पहले एक इसका छोटा सा भूमिका लिख दीजिए, फिर इसका प्रावधान लिख दीजिए, फिर इसकी समस्या, फिर इसका महत्व, तब लिखते हैं कि जो पोखरण सेकंड हुआ, पोखरण सेकंड के बाद जो है 1999 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो परिषद, उसी के प्रतिवेदन पर जो है भारत की परमाणु नीति का जो है नया प्रारूप तैयार किया गया, और जो उस समय वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे, उनके जो सचिव थे ब्रजेश मिश्र, अभी 2 साल पहले उनका डेथ हुआ था, 1 साल पहले, तो ब्रजेश मिश्र साहब ने जो है वो देखा जाए तो इसको जारी किया था। फिर मैं बताया कि बाद में सरकार अपनी सुविधा के अनुसार इसमें कुछ जो है परिवर्तन भी करती रही है, जो परिस्थितियों में बदलाव आया। चैलेंज बुक कर दीजिए, पोखरण सेकंड के बाद
1999 में पोखरण सेकंड के बाद 1999 में 1999 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर भारतीय परमाणु नीति का प्रारूप तैयार किया गया। जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री के सचिव ब्रजेश मिश्र द्वारा जारी किया गया।2003 तथा अन्य अवसरों पर परिस्थितियों के अनुसार 2003 तथा अन्य अवसरों पर परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन भी किए गए प्रावधान या विशेषता देख रहे हैं कि वर्तमान जो परमाणु नीति है वह सामरिक और शांतिपूर्ण दोनों उद्देश्यों को धारण करती है। इसका मतलब यथार्थवादी दृष्टिकोण रखता है। इसका मतलब यह है कि हम लोग जो परमाणु नीति जो परमाणु कार्यक्रम है वह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भी इसका प्रयोग होगा और परमाणु बम के लिए भी इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। नंबर एक, वर्तमान में परमाणु नीति सामरिक तथा शांतिपूर्ण दोनों उद्देश्यों को धारण करती है। इस तरह यथार्थवादी परमाणु नीति के रूप में है देखिए, भारत अभी भी सामान्य रूप से नो फर्स्ट यूज का नो फर्स्ट यूज को मैं अलग से पढ़ा दूंगा, इसमें मत मिलाइए। अलग से क्वेश्चन आता भी है, मान लीजिए नो फर्स्ट यूज का 150 शब्द का प्रश्न है, अलग ही पढ़ लिया जाएगा भूमिका, इसका स्वरूप विश्लेषण अलग ही करके लिख दिया जाएगा 200 शब्द, क्योंकि मिलाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जितना बाइफर्केट करके पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको ठीक रहता है। अब भारत की परमाणु नीति पूछेगा, भारत की वर्तमान परमाणु नीति क्या है, समस्याओं को रेखांकित करें या परमाणु नीति में क्या समस्या, चुपचाप जो पढ़ा रहा हूं उसको लिखना है, जो पूछे वो लिखना है। यदि इतना भी कर लिए तब भी 60-65% नंबर मिल जाएगा, वो भी तो नहीं हो पाता। कहने या करने में अंतर होता है, बात समझिए, कहने करने में कितना अंतर है। कहते हम लोग कुछ होता कुछ है, कहने से हो जाना, मैं ही कहता कितना हूं, कितना कर पाता हूं, उसमें गैप हो ही जाता है कुछ ना कुछ। हाँ, लेकिन इतना भी नहीं गैप होना चाहिए, पता लगे सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर पाए जो पढ़ाई पढ़े, कभी मिठाई खाने का मौका ही नहीं आया। और मिठाई खाने का हो तो सिलेबस कंप्लीट होना, सीधी सी बात, कैसा शुरू किया कि मिठाई नहीं खा पाए। अब पता लगे ऐसा शुरू किया कि मैंने तो मिठाई खिला पाए,
भाई सिलेक्शन में मिठाई बनता है ना, तो मिठाई बनता है तो ऐसा तैयारी की शुरू की कि ना तो मिठाई खाए या ना तो मिठाई खिलाए, दोनों में से कोई काम नहीं हुआ, तो वो काम नहीं। अब शुरू कर दिए तो काम खत्म करिए, अब जो कष्ट होगा हो जाएगा, ये सोचा करिए कि जो कष्ट होगा हो जाएगा, जितना पढ़ना होगा पढ़ लेंगे, लेकिन मामले को निपटा कर ही छोड़ेंगे, अब बीच में अधर वाला काम नहीं छोड़ा जाएगा। अब जब बन जाएंगे उसके बाद सोचूंगा कि कितना गंवाया, क्या मिला, क्या गया, जो होगा देख लिया जाएगा। अब रोज बैठ के सोचेंगे नहीं हुआ तो अरे होगा क्यों नहीं, ये सोचा करिए होगा क्यों नहीं। मनुष्य जात के लोग ही पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम लोग भी मनुष्य जात के ही लोग हैं, थोड़ा समझ लीजिए कब या ज्यादा, तो मान लीजिए हम कहते हैं कि जब ये सोचेंगे तब तो हो जाएगा मामला। अब तो कोई काम करते तो मेहनत लगेगा ही, अरे बनेगा क्यों नहीं, आप जो बताए जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते थे, बहुत सारे लोगों का हमारे पास फोन आया कि जो हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में केवल वही टिक लगाकर उन लोगों का नेटवर्क हो गया है, तो बोले कि हम उससे कुछ भी नहीं पढ़े वही टिक लगा चले आए, है तो 60% सिलेबस यही 40% ही, तो बस सिलेबस ज्यादा है वहां पर। अब मेरिट कितना जाता है, नेट का मेरिट कभी आपने देखा कितना जाता है, 100 में 45 क्वेश्चन बस, और 100 में जो है 60 क्वेश्चन, तो लगभग 50-55 क्वेश्चन तो यही सब आता है जो हम लोग पढ़ते हैं भाई। जो एमए वाले लोग व्यक्ति जो देखते कितने लोग नेट की तैयारी के लिए कोचिंग कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ आता ही नहीं पॉलिटिकल साइंस में, यही समस्या उनके लिए है। गांव देहात में देखता हूँ नेट की तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से निकल ही नहीं रहा, कौन सा तैयारी चल रहा है उनका, तो वो भी तो समस्या है ही। दूसरा बात समझिए, नंबर दो, सामान्यतः भारत परमाणु हथियार के, सामान्यतः भारत परमाणु हथियार के प्रथम प्रयोग न करने का सिद्धांत रखता है, नो फर्स्ट यूज, प्रथम प्रयोग न करने का सिद्धांत रखता है, लेकिन वर्तमान सरकार मानती है कि यदि जैविक और रासायनिक हथियारों से हमला होता है, यदि जैविक और रासायनिक हथियारों से हमला होता है, नहीं भारत पर हमला होता है, यदि जैविक और रासायनिक हथियारों से भारत पर हमला होता है तो भारत परमाणु बम का प्रयोग करेगा, भारत परमाणु बम का प्रयोग करेगा, हाँ लिख रखा, भारत और चाइना दो देश थे, चाइना भी लिख रखा, पीटी में आ भी चुका है क्वेश्चन। तीसरा बात समझिए, भारत पर परमाणु नीति में लिखा है कि भारत पर यदि परमाणु हमला किया जाता है तो भारत इसका उत्तर अवश्य देगा, और भारत इसका उत्तर अत्यंत जो है विनाशकारी तरीके से देगा, और पूरी क्षति भी हो सकती है। तब देख रहे हैं कि परमाणु शक्ति संपन्न देश होने के कारण भारत ने ये जो लाइन लिखा है, ऐसा लाइन विश्व में कहीं नहीं लिखा है कि भारत ने गलती से परमाणु बम फेंक दिया फिर हम पूरा पाकिस्तान ही खत्म करेंगे, अब बीच वाला काम नहीं, हम अब बीच में रुकेगा नहीं युद्ध, चाहे अपूर्णी क्षति हो जाए चाहे पूरा पाकिस्तान ही खत्म हो जाए, वो अलग एक मुद्दा, लेकिन भारत ने लिखा कि यदि हमारे ऊपर परमाणु बम से हमला किया गया तो भारत पूरी ताकत के साथ जो है परमाणु हमला करेगा। नंबर 3,
भारत पर यदि परमाणु हमला होता है, भारत पर यदि परमाणु हमला होता है तो भारत इसका उत्तर अत्यंत विनाशकारी तरीके से देगा। इससे अपूर्णीय क्षति भी हो सकती है। इससे अपूर्णीय क्षति भी हो सकती है। देखिए मैं ऐसी बात किसी देश ने नहीं लिखा है, मतलब इस नीति का प्रयोग परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं करते, ये जो लाइन है अंडरस्टूड है, लेकिन भारत ने लिखा है इसको। इसे क्या देखिए, भारत ने कहा, समझिए, भारत ने लिखा कि मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंट इफेक्टिव इन चार शब्दों का प्रयोग किया गया है। भारत ने कहा कि न्यूनतम आवश्यक विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता तक परमाणु बम का भारत विकास करेगा, मतलब परमाणु बम भारत उतना रखेगा जिससे अन्य देशों को प्रभावी और विश्वसनीय तरीके से हमला करने से रोक सके। उसको कहा जाता है मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंट इफेक्टिव, ये चार शब्द लिखा गया है कि हम लोग इतना परमाणु बम बनाएंगे। अब कितना ये नहीं, अगला पॉइंट, भारत न्यूनतम आवश्यक विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता तक परमाणु हथियार का विकास करेगा। अर्थात भारत उतना परमाणु बम बनाएगा जिससे अन्य देशों को प्रभावी और विश्वसनीय तरीके से हमला करने से रोक सके हमेशा दो विकल्प निकाल के रखना चाहिए। मैं तो जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उनसे कहता हूं, अच्छा से इसको पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम कहते हैं कोई बहुत ज्यादा नहीं, ये नहीं कि अपना भाई अपना आईएस पीछे दे रहे हैं, देते रहिए, मैं मना नहीं करता हूं, ये अपना देते रहिए और इसी को अपना पढ़ के अपना प्रयास करिए कि नेट जीआरएफ निकल जाए। अब नेट जीआरएफ निकलने से क्या होगा कि फिर असिस्टेंट प्रोफेसर देने का जो है मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यही चीज वहां पर भी आना है, यही लगाना है। अब फिर साल डेढ़ साल तैयारी करने के बाद फिर ये बताइए कि दिल्ली में रहने की क्या प्रासंगिकता है, मेरी समझ से क्या प्रासंगिकता है, सब कोर्स खत्म हो गया, सब कुछ पढ़ लिए, कोई दिक्कत की बात है, अपने मजे से अपना जाकर कहीं नौकरी भी कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं शहर भी तो कॉलेज होगा, ऐसा तो है नहीं, जाकर नौकरी भी कर लिए चुपचाप, अपना तैयारी भी कर रहे हैं, पैसे रुपए का भी टेंशन खत्म, सम्मान भी, कोई दिक्कत है नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं।
मैं ये नहीं करता हूँ, लेकिन सोचिए कि महाविद्यालय वाले तो मान लीजिए चौधरी चरण सिंह में तो हो ही जाएगा ना। सबसे बड़ी बात देखिए, ऐसा होता है समय परिस्थिति कोई नहीं जानता, मैं बार बार कहता हूँ। मैंने भी पोलिटिकल साइंस से मान लीजिए पहले हमारा एडमिट हुआ, फिर जीआरएफ हो गया, मैं तो इसका रसीद भी 3 साल लिया हूँ। तो मैंने अनुभव किया अपने जीवन में, जैसे हमारे पिताजी पैसे रुपए के लिए कभी मना नहीं करते थे, बोले ठीक है। लेकिन अब उम्र हो गया था 24 साल, उम्र हो गया था 25 साल, तो मैं पिताजी से बोला हमके नहीं छोड़ गया था, हमारा सिर्फ मिलता ही है, इसका सिर्फ हमारा काम चल रहा है, क्या मतलब है। अब हम लोग सर, अब पिताजी पर जिम्मेदारी भी ज्यादा था, हम लोग मान लीजिए 4 भाई बहन, अब 2 सिस्टर 2 भाई, फिर भाई साहब भी पढ़ते थे उस समय, अब वो कानपुर आईटी से बीटेक किए थे, फिर एमटेक करने के लिए चले गए, कनाडा चले गए, अब उनको पैसा ज्यादा जाता था, मुझे पता था कि भाई पिताजी अपना ईमानदारी से नौकरी करते हैं, डी अकेडमी प्रिंसिपल थे, तो अपना फिर पिताजी को मैं देखता भी था कि नहीं हम लोग छोड़िए लीजिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, भैया को भेजा करिए, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, अभी शादी ब्याह करना है, सिस्टर लोगों का तमाम। तो मान लीजिए वो दूसरी बात है, तो हम कहते हैं कि अपना आदमी को सेपरेट हो गया, फिर मैं अपना धीरे धीरे मन भी बना लिया कि मुझे जीवन में पढ़ाना लिखाना है, वो दूसरी बात है, नौकरी कर लिया वो भी संतुष्टि मिल गया। लेकिन हमें कहते 2 लाइन रहा तभी तो मैं छोड़कर नौकरी आ गया, अन्यथा उसी में जब मैं पढ़ा रहता चुपचाप, वही 50,000-1,00,000 रुपया शाम को अपना झोले में भर उड़ के लेके आता, घर वाले भी खैर खुश रहते, नहीं घर वाले भी खुश रहते। अभी तो जैसे मैं बताऊं, एक बार ऐसे हमारे विशु जो है, मैं नोएडा पोस्टेड था, तो विशु क्या हुआ कि अपना चले आए, जो भाई साहब का लड़का उसको लेकर चले आए ऑफिस, ऑफिस उसको उम्र नहीं जाता था, 5-8-10 साल की बात, तो लेके चले आए। अब पता ही आपको सरकारी महकमा में क्या होता है, अब विशु को लोग गाड़ी में बैठा कर लेके चले गए, बाबू तुम क्या खरीदोगे। अब विशु को क्या पता, बोले हमको बैटरी वाला कार, पापा से इतने दिन से कह रहा हूँ दिलवा तो रहे नहीं। बोले अरे बेटा ये छोटा सा बात क्या, चलो अभी 2 कार खरीदवाता हूँ इनको, बैटरी वाला कार इधर उधर जितना ही बोले सब कर करा के सब अपना। मैं आया घर पे, पूछा कहाँ से, वही अंकल ऑफिस में थे, सब खरीद के दे दिए। तो मान लीजिए हम कहते हैं तो लगा कि नहीं हमको अब दोबारा ऑफिस में जाना, तो हम कहते हैं मान लीजिए कि अब लाइन खुला रहा तभी तो मैं पढ़ाना शुरू कर दिया। अब भाई हमें कहते हैं आप पढ़ते हैं तभी तो पढ़ा पाएंगे, किताब पढ़ के कितना पढ़ा पाएंगे। तो आदमी को इच्छा है तो चलिए दूसरा भी काम कर लिया। इसलिए मैं कहता हूं कि 2 विकल्प हमेशा रहना चाहिए जीवन में, एक ए वाला विकल्प, दूसरा एक बी विकल्प बना के रखिए जिससे दिक्कत ज्यादा ना आने पाए। तीसरा बात देखिए, जैसे मान लीजिए मैं बताया कि लिख दिया और भी लिखवा, 3-4 हो गया, कम से कम 6 तो लिखवा दूं। 5वां बात समझिए, कहा गया कि जैसे मान लीजिए सब कहिए भारत का जो परमाणु शस्त्र है उस पर सेना का नहीं, उस पर जो है नागरिक नेतृत्व होगा, नागरिक नेतृत्व होगा, इसका मतलब कि परमाणु बटन जो है प्रधानमंत्री के पास रहेगा, परमाणु हथियारों का प्रयोग जो है राजनीतिक नेतृत्व की सहमति पर किया जाएगा। यह बात लिखा गया कि सेना चाहकर भी परमाणु बम का हमला नहीं कर सकती है जब तक प्रधानमंत्री और जो हम लोग का मंत्रिपरिषद है मंत्रिमंडल उस पर सहमत न हो जाए। और फिर उसके लिए भी सब सिस्टम बनाया गया है, उसके लिए भी जो है C4I2 का सिद्धांत है, लिखिएगा मत। C4I2 का सिद्धांत का मतलब कि कंट्रोल कमांड कंप्यूटरिंग कम्युनिकेशन, एक तरफ C4 का सिद्धांत है, दूसरा जो है इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन। और फिर इसके साथ भी हम लोगों ने जो है एक कार्यकारी परिषद और एक राजनीतिक परिषद दोनों की बैठक करने की बात किया है कि दोनों की बैठक होगी, दोनों एक ही बिंदु पर सहमत होंगे तभी प्रधानमंत्री परमाणु बटन दबाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे यहां जो है एक प्रकार से उत्तरदायी जो है परमाणु नीति की बात की गई है। अगला पॉइंट, भारत के परमाणु शस्त्रों पर सेना का नहीं, भारत परमाणु शस्त्रों पर सेना का नहीं बल्कि भारत के परमाणु शस्त्रों पर सेना का नहीं बल्कि नागरिक नेतृत्व का नियंत्रण होगा, नागरिक नेतृत्व का नियंत्रण होगा और परमाणु बटन
पीएम के पास होगी, परमाणु बटन पीएम के पास होगी, अर्थात राजनीतिक नेतृत्व की सहमति पर परमाणु बम का प्रयोग होगा। सबसे ज्यादा लोग जो है राजस्थान में ही टीचर की तैयारी करते हैं, जो मुझे लगता है राजस्थान में सबसे ज्यादा लोग तैयारी करते हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ, राजस्थान में ही सबसे ज्यादा लोग पास होते हैं, जो कि वहीं सबसे कोर्स हमारा ज्यादा गया है, उसके बाद यूपी का नंबर आता है। तो उन लोगों का इस बार तो काफी लोग पास हुए, सोचिए असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हुआ फर्स्ट ग्रेड में, हमें जीआरएफ तो हुआ ही हुआ। तो इन लोगों ने हमसे कहा अभी 10-15 दिन पहले, सब लोगों का फोन आता था, तो बोलते थे सर इतना फीस रखे है ना, 20,000 रुपया फीस मिला था। तो लोग बोले सर 20,000 रुपया फीस रखे हैं, बच्चा लोग यहाँ पर नहीं ले पाता है, बात समझिए। हम लोग तो कितना लड़ झगड़ के घर वालों से 20,000 रुपये जमा किए थे आपका, इस फीस को करिए कम पहले। तो हम उन्हीं लोगों से पूछे, लोग तुम्ही ले बताओ कितना, बोले नहीं पेन ड्राइव को उसका 10,000 कर दीजिए और ऐप भी बना लीजिए, कुछ बच्चा लोग ऐप में और सस्ता पढ़ लेगा, उसका 6-7 हज़ार फीस रख दीजिए। तो इन्हीं लोगों के लिए मैं फीस घटा दिया, हमको जाने दो। बोले सर यहाँ टीचर की तैयारी सब बहुत करते हैं बच्चा, उतना पैसा तो है नहीं, सब बच्चा कम से कम खरीद के पढ़ तो लेगा। अब बच्चा ले जाकर हमारा फोटो स्टेट करा रहा है, बंडल लेके गया, वहां पर 1 रुपया पर पीस फोटो स्टेट करते हैं लोग। वो बता रहे थे कि जो है 1 रुपया पर पीस फोटो स्टेट करते हैं। अब सर ये बताइए, 1-4 हज़ार का फोटो स्टेट करा के लाया तो 4 हज़ार भी सही नहीं करके दिया है, उसका नुकसान भी हो गया पैसा। और वहां तो सर दिल्ली में आपका फोटो स्टेट सस्ता होता होगा। तो हम बोले बात तो सही है, फिर मैं पांडे जी से बोला, पांडे जी बोले ठीक है सर जान लीजिए। कम से कम मान लीजिए जिनको टीचर बनने का शौक है, कितने लोग मान लीजिए यही गंगा स्नान कर लेते हैं कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, बस जीवन का लक्ष्य पूरा। अरे गांव देहात में असिस्टेंट प्रोफेसर को बड़ा इतना मत हल्के लीजिए, अरे बढ़िया ठीक ठाक। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि कितने लोग का जब जीवन का यही लक्ष्य, तो कम से कम ये तो लक्ष्य पूरा हो जाए उनका, कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। अरे गांव में कोई कुछ जानता ही नहीं तो यही बहुत बड़ा नौकरी है, गांव में पुलिस की नौकरी बड़ी नहीं होती है। अभी सोचिए कोई दरोगा बन गया तो कितनी बड़ी नौकरी है, गांव में जितना कहीं पीसीएस बन गया तब तो समझिए कि अरे, आईएएस बन गया तब तो फिर, तो वो उतनी ही सोच है। जबकि मान लीजिए बॉम्बे और बड़े शहरों में आईएएस पीसीएस को कौन पूछ रहा है, दिल्ली में कौन पूछ रहा है, यहां तो गली गली में पड़े होंगे। हमारे कॉलोनी में ही कम से कम कुछ नहीं होंगे तो मान लीजिए 10 IPS अधिकारी होंगे, दिल्ली गवर्नमेंट में मान लीजिए 10 IPS अधिकारी कॉलोनी में रहते हैं। तो हमें कहते हैं, मैं वो लोग टहलते रहते हैं, हम लोग महाराज बताइए IPS बन के क्या किए। बोले अरे तुम गांव देहात में लोग जानते हैं, यहां पर तो आपको पता है ना कि हम लोग ड्यूटी क्या है। तो वही बात है कि मान लीजिए ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज है कि भाई बच्चा लोग पढ़ के कुछ कर तो ले, नहीं तो मालूम है बाद में क्या होता है, पता नहीं कि प्राथमिक विद्यालय के टीचर बन गए, कितना कष्ट की बात है। वो भी आजकल नहीं मिल रहा है, उसमें भी दिक्कत इतना चल रहा है, कहां फार्म निकल रहा है, उसमें दिक्कत ज्यादा है। बल्कि लेक्चरर बनना आसान है, अब प्राथमिक विद्यालय में टीचर बनना कठिन है, क्योंकि उसका तो मेरिट और भी ज्यादा जा रहा है। अब इसी प्रकार देखिए, जैसे मैं बताया यहां पर एक लाइन लिख दीजिएगा कि पूर्ण निशस्त्रीकरण का भी समर्थन करता है, एक पॉइंट लिख दीजिए, भारत पूर्ण निशस्त्रीकरण का भी समर्थन करता है, पूर्ण निशस्त्रीकरण का भी समर्थन करता है, भारत पूर्ण निशस्त्रीकरण का भी समर्थन करता है, और साथ ही परमाणु हथियार रहित, परमाणु हथियार रहित देश के खिलाफ, परमाणु हथियार रहित देश के खिलाफ परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेगा, परमाणु हथियार रहित देश के खिलाफ परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेगा,
मतलब भारत जो है परमाणु मुक्त विश्व बनाने का भी समर्थन करता है, परमाणु निशस्त्रीकरण का भी समर्थन करता है, परमाणु बम बनाने के बाद भी इस बात का समर्थन भारत करता है कि विश्व में जो है वो देखा जाए तो परमाणु मुक्त विश्व होना चाहिए। एसी बंद करिए, तबीयत खराब कर देंगे आप, रुके रुके मैं उसको बोलता हूँ, इजाज भी चला होगा ना, अब एसी चलाने लायक नहीं रह गया, वो तबीयत खराब कर देगा, ट्रांजिस्टर फिर है ना बाबू, एसी को बंद कर दो, इजाज चला देना। थोड़ा सा दो चार दिन की बात है, अभी दो चार दिन में सब एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो यदि अब इस समय तबीयत खराब तो हो ही जाएगा, वायरल चल ही रहा है सब, हमको भी नहीं चलता है तो घबराहट होती है, व्यवहारिक बात बताता हूँ, आदत पड़ चुका है तो घबराहट तो होती है, लेकिन हम भी एक मजबूरी है, क्या किया जाए, आदत पड़ गया है, ये बीमारी है, एक जैसे बीमारी ये पड़ गई कि बिना इसको चलाए नींद नहीं लगता। मान लीजिए अभी दो चार पांच दिन पहले हम भी बंद किए कि नहीं अब रहने दो, तो दो चार दिन से ढंग से नींद नहीं लग रहा है, अब धीरे धीरे एडजस्ट होगा कुछ दिन में वो। अब चलिए समस्या समस्या है तो प्रावधान बहुत, एक दो और मन करेगा तो और भी लिख सकते हैं, है तो बहुत सारा लाइन, लेकिन जो मुख्य मुख्य बात था यही था कि जैसे भारत परमाणु जो हथियार है या उससे संबंधित जो मिसाइल तकनीक है वो किसी देश को नहीं देगा, ये भी बात लिखा गया है कि भारत अपना परमाणु हथियार और उससे संबंधित जो तकनीक है या मिसाइल है वो दूसरे देश को जो है वो निर्यात नहीं करेगा, स्वयं ही भारत ने रोक लगा लिया है, ये भी लिखा गया परमाणु नीति में। है तो बहुत सारा लिखकराज, लेकिन पांच छह हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, एक दो मन करेगा तो लिख डालिए। समस्या पहली समस्या समझिए, जैसे आप देखते हैं कि भारत ने कि यदि कोई देश परमाणु बम का हमला करता है, न्यूक्लियर उसको हम लोग वार हेड्स कहते हैं, परमाणु बम तो समझने के लिए मैं बोलता रहता हूं, अब वार हेड्स बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा, तो परमाणु बम से समझ में तो आता है, यदि कोई देश परमाणु बम का हमला करेगा तो भारत उसका जो है उत्तर देगा, विनाशकारी तरीके से उत्तर देगा, कार्रवाई करेगा। चलिए यहां तक तो भारत ने अच्छा लिखा, लेकिन कोई आतंकवादी संगठन ने परमाणु बम फेंक दिया, अलकायदा या आईएस को परमाणु बम फेंक दिया, तो भारत किस देश पर आक्रमण करेगा? भाई समस्या आ गया कि नहीं, कि यदि आईएस परमाणु बम फेंक दिया भारत पर, तब आईएस का तो कोई देश है नहीं, अलकायदा अलकायदा का तो कोई देश है नहीं, कहां परमाणु बम फेंकेंगे? नंबर एक, नॉन स्टेट एक्टर राज्योत्तर करता राज्योत्तर करता राज्योत्तर करता राज्य के अलावा करता राज्योत्तर करता नॉन स्टेट एक्टर राज्योत्तर करता द्वारा यदि परमाणु बम का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में भारत क्या कार्रवाई करेगा? ऐसी स्थिति में भारत क्या कार्रवाई करेगा यह स्पष्ट नहीं है, भारत क्या कार्रवाई करेगा यह स्पष्ट नहीं है। जैसे अलकायदा द्वारा परमाणु बम का हमला किया जाना दूसरा बात समझिए, भारत जो है सामान्यतः कहता है कि नो फर्स्ट यूज, तो अब मान लीजिए नो फर्स्ट यूज नीति का प्रयोग करते हैं, बात सही है, लेकिन हम कहते हैं कि यदि परंपरागत हमला हो रहा है तो कहीं कहीं आप पर एक नैतिक दबाव रहेगा कि आप भी परंपरागत हमला करिए, भारत परमाणु बम तो फेंक नहीं सकता है। चीन यदि थल सेना से नौसेना से वायुसेना से आक्रमण करता है तो फिर भारत को भी इसी प्रकार उसका जवाब देना पड़ेगा, भारत पर एक नैतिक दबाव रहेगा, इसलिए तो आपके देखने की जरूरत क्या है, तो बीजेपी इस पर सहमत है, ऐसा मत समझिएगा,
बीजेपी सहमत है, विधेयक बन के तैयार है, जिसका आप लोग हवाला दे रहे हैं ना, वो भी कानूनी स्वरूप ग्रहण नहीं किया है, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूं। अब कोई कानून थोड़ा बना उस पर, सरकार सहमत है ना, तो सरकार सहमत होना और जो कानून बनना दोनों में अंतर हो जाएगा ना फिर थोड़ा सा, इसलिए मैं भी लिखवा नहीं रहा हूं कि अब ऐसे खत्म होगा, ये सब कहानी वाली खत्म हो जाएगा। और जो किसी लिखवा रहा हूं कि पता लगे साल भर नहीं खत्म हुआ, फिर एग्जाम आ गया तो आप लोग दिक्कत में आ जाएंगे। तो नो फर्स्ट यूज का जो नीति है वो प्रासंगिक नहीं है। क्या जरूरत है आ बैल मुझे मार, ये सब लिखने की जरूरत क्या है? एक लाइन लिखिए अमेरिका की तरह, एक लाइन लिखिए रूस की तरह कि भाई जो है वो देखा जाता आवश्यक होने पर परमाणु बम का प्रयोग होगा। अब आवश्यक का मतलब हम डिसाइड करेंगे क्या आवश्यक है, इतना सब बॉलबाजी लिखने की जरूरत क्या है? नंबर दो, नो फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज नीति का प्रतिपादन लिखिए प्रमाण से, ऐसे लिखिएगा बताता हूं भाई। नो फर्स्ट यूज नीति है तो उसका जो प्रतिपादन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक नहीं रह गया है, क्योंकि कोई साइबर अपराध करेगा, कोई परंपरागत हमला करेगा, कोई नौसेना से हमला करेगा, कोई वायुसेना से हमला करेगा, तो भारत के ऊपर नैतिक दबाव रहेगा कि वो उसी स्वरूप में जवाब दे। जबकि वास्तव में देखा जाए तो चीन के परिप्रेक्ष्य में हमारी नौसेना थल सेना कमजोर है, अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में कमजोर है। तो परमाणु जो हमने बम बनाया है उसका प्रयोग करने के लिए हाथ हमारा नैतिक रूप से बढ़ जाएगा। वैसे तो युद्ध में कुछ भी हो सकता है लेकिन नैतिक रूप से दबाव रहेगा ना। अब लिखिए नैतिक रूप से भारत नहीं दे पाएगा, लेकिन मैं बताया कि नैतिक रूप से है ना, कोई कानूनी बाध्यता थोड़ी ना है। पर ये तो हाँ, इसमें अब सुझाव मत लिखिए, समस्या में तो समस्या लिखिए कि यह अप्रासंगिक नीति है। जैसे चीन यदि थल सेना से आक्रमण करेगा तो हम लोग को थल सेना अपनी मजबूत करनी पड़ेगी, जबकि हमारी थल सेना चीन की तुलना में उतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए नैतिक दबाव बन जाएगा ना। अगला बात समझिए भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि आज सैन्य संगठन विश्व में काम करते हैं। तो सैन्य संगठन काम करते हैं तो बताइए, नाटो सैन्य संगठन है, सीएसटीओ सैन्य संगठन है, इस सैन्य संगठन में बहुत सारे देश रहते हैं। अब बहुत सारे देश रहते हैं तो ये सैन्य संगठन द्वारा यदि आक्रमण किया जाता है तो उसके बारे में भी हमारे परमाणु नीति में कुछ नहीं लिखा है। नंबर तीन, वर्तमान में अनेक सैन्य संगठन कार्यरत हैं, अनेक सैन्य संगठन कार्यरत हैं, जैसे नाटो, सीएसटीओ, यदि ये सैन्य संगठन सामूहिक रूप से भारत पर आक्रमण करते हैं तो भारत क्या कार्रवाई करेगा, स्पष्ट नहीं है। इसी को देखिए, कुछ आलोचक कहते हैं कि भारत की परमाणु नीति एक तरफ यथार्थवादी है तो दूसरी तरफ आदर्शवादी है। अरे परमाणु निशस्त्रीकरण की पूर्णता बात कर लीजिए या तो परमाणु बम ही बना लीजिए। अब उसमें आप जो है दुविधा में क्यों जी रहे हैं? एक तरफ विश्व को यह भी दिखाना है कि भारत शांति का पुजारी है, दूसरी तरफ ये भी दिखाना है कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते। तो पूर्ण निशस्त्रीकरण का बात करना, दूसरी तरफ परमाणु शस्त्र बनाना, चीन कहां पूर्ण निशस्त्रीकरण की बात करता, नहीं करता है। उसका घोषित नीति है कि पूर्ण निशस्त्रीकरण संभव ही नहीं है। लिख दीजिए कि भारत की परमाणु नीति
भारत की परमाणु नीति यथार्थवाद तथा आदर्शवाद के बीच दुविधाग्रस्त है। उसको रस्सी ठीक करो, खींचकर पंखे को देखो, हमको क्यों देख रहे हो जी? उसका बंद करना सलूशन है कि उसको ठीक करना सलूशन है? वो छोटी वाली रस्सी को एक बार खींचिए तो बस बंद तो हो गया। कहां कट कर रहा है? एक समस्या 10 समाधान भी है जीवन में, ध्यान रखना। प्रयास करना पड़ेगा ना उसके लिए। लिखिए उसके, लिख दीजिए कि क्या लिखवा रहा था। यथार्थवाद तथा आदर्शवाद के बीच दुविधाग्रस्त है क्योंकि एक और पूर्ण निःशस्त्रीकरण की बात करता है, क्योंकि एक और पूर्ण निःशस्त्रीकरण की बात करता है तो दूसरी ओर परमाणु शस्त्रों को बढ़ावा दे रहा है। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह पर, उसका व्यवहारिक प्रयोग अपनी जगह पर है। एक आप लोग पढ़ते होंगे ना, बाइनरी ऑपरेशन, ट्वेल्थ में मैथ में था। ट्वेल्थ में मैथ कौन कौन पढ़ा है? ट्वेल्थ में मैथ नहीं पढ़े? तो बाइनरी ऑपरेशन एक होता है। तो ऐसे ये लोग दो दिन तीन दिन पहले क्या होता था कि ये लोग वीडियो अपलोड कर रहे थे, तो वीडियो अपलोड कर रहे थे तो एक और दो के बाद जो है सीधा 11 नंबर आ जाता था, फिर 11, 12, 13, 14 चलता था। अब 3 नंबर वीडियो नीचे चला गया, अब वो क्रम से वीडियो आएगा कैसे? अब ये लोग खूब सुबह से लेकर दोपहर तक परेशान थे। मैं दोपहर में से जो है छुट्टी था ही संडे को, तो मैं गया वहीं रेनी में, हमारा ऑफिस भी तो है ना, जैसे यहाँ पर ऑफिस है वहां पर भी ऑफिस है, तो मैं ऐसे ही जाता रहता हूँ, ज्यादा आधा किलोमीटर दूरी पर है, तो मैं ऐसे गया। तो गया तो दो लोग लग कर उसको अपना बार बार कर रहे हैं, तो हम बोले कि समस्या क्या है? तो लोग बोले कि सर समस्या ये कि एक दो वीडियो के बाद 3 नहीं आ रहा है। हम लोग लगे हुए हैं सुबह से, हम लोग उसमें क्या दिमाग लगाना यार, 1 जो लिखे हो उसको 01 कर दो, इसको 02 कर दो, अब देखो कैसे हो रहा है। तो लोग अपलोड किए तो तुरंत 01, 02, 03 आ गया, क्रम से चला। हम तो इसको बाइनरी ऑपरेशन बोला जाता है। कंप्यूटर हमें कंप्यूटर पूरा जो है कैलकुलेटर 0 और 1 पर ही काम करता है। तो 0 तुम लिखोगे नहीं तो 1 जो है कंफ्यूजन में चल रहा है ना कि हम किधर किधर जाएं, तो 2 आंकड़ों में ही ये चलता है। पूरा कैलकुलेटर 0 और 1 से ही बना है। तो हम बोले ये ऐसे सिस्टम काम करता है। तब एक लोग उसमें मान लीजिए काफी अनुभवी है, तो बोले कि सर ऐसे तो नहीं होना चाहिए। हम क्या, जो मैंने पढ़ा था मैंने बता दिया थ्योरी, अब तुम डाल के देख लो, नहीं होता है तो कंपनी वाले को फोन मिलाओ, मंडे को फोन मिलाना, आज तो बंद होगा सॉफ्टवेयर कंपनी। वो डाले सेट हो गया। जो पढ़ते हैं तो उसका प्रयोग भी करना है, नहीं ये चीज कैसे हुआ। और जब आप व्हाट व्हेन हाउ करके पढ़ेंगे तो वो चीजें ज्यादा दिन तक याद होगी। हम लोग पढ़ते थे तो मुझे याद है कि पहले दिन सर पढ़ाए बाइनरी ऑपरेशन, तो पहला प्रश्न मेरा यही था कि हम लोग बाइनरी ऑपरेशन क्यों पढ़ रहे हैं सर, इसका क्या एप्लीकेशन है, ये पढ़ने से फायदा क्या है? तो फिर नहीं, वो नहीं, मेरी एक आदत थी। जैसे मैं मान लीजिए अपने भी पढ़ता हूँ पॉलिटिकल साइंस, जैसे मान लीजिए अब G20 का सम्मेलन हो रहा है, एक बात कह रहा हूँ, चाहे मान लीजिए पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हो रहा है, तो मैं कहूँ कि आसियान का सम्मेलन कहाँ हो रहा है इस समय? कंबोडिया। क्योंकि आसियान का जब सम्मेलन होता है तो आसियान के साथ 4 सम्मेलन होते हैं, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। आसियान का जब सम्मेलन होता है, कुछ है नहीं IR सबसे आसान है, आसियान का जब सम्मेलन होता है तो आसियान का सम्मेलन कहां हुआ? कंबोडिया, कंबोडिया हो रहा है ना, उपराष्ट्रपति गए हुए हैं। तो अब आसियान का जब सम्मेलन होता है तो इसमें 3 सम्मेलन और होता है, एक होता है आसियान प्लस 3 बैठक होती है। अब 3 का क्या मतलब है? चीन, अमेरिका कहां से आ जाएगा, जापान और कौन आएगा,
दक्षिण कोरिया, आप लोग रटे हैं ना इसलिए भूल रहे हैं। फिर एक एक तो ये हुआ, दूसरा जो होता है आसियान प्लस वन वार्ता होता है, आसियान प्लस वन, वन का मतलब भारत। और तीसरा जो सम्मेलन होता है उसको बोलते हैं ईस्ट एशिया सबमिट, पूर्वी एशिया सम्मेलन। तो पूर्वी एशिया से जो सम्मेलन होता है उसमें जो है अमेरिका जापान सब देश है, उसमें भारत भी सदस्य है। आसियान का सदस्य भारत नहीं है क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं 10 देश, भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन भारत इसका सदस्य है। अब इसकी जो बैठक होती है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन इसको कहा जाता है, तो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की बैठक वहीं पर होती है जहां पर आसियान की बैठक होती है। ऐसे याद करेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आएगा क्वेश्चन जरूर। अब क्वेश्चन देखिए, आईएस में 8-10 साल पहले देखेंगे तो आया है आसियान प्लस थ्री में कौन सा देश नहीं है। तो भारत का आसियान के साथ प्लस वन वार्ता होता है, हाँ, तो ऐसे याद किया जाता है, मतलब समझ के कि कैसे किसमें क्यों नहीं है। तो जब याद करेंगे तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा और क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, रटेंगे तो भूल जाएगा। एक और बता, चार हो गया, तो बस करिए। अब इसका जो है मूल्यांकन लिखिए, महत्व सहित मूल्यांकन। उपरोक्त समस्याओं के बावजूद भी भारत की परमाणु नीति में अभी भी सभी विकल्प खुले हुए हैं, समय परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन हो सकता है, और दूसरी ओर भारत जिम्मेदार राष्ट्र की तरह राजनीतिक परिषद तथा कार्यकारी परिषद का गठन किया है। जहां राजनीतिक परिषद लिखे हैं ना वहां पर छोटा सा लिख दिएगा मंत्रिपरिषद। और कार्यकारी परिषद जहां पर लिखे हैं वहां पर लिख दीजिएगा सेनाओं के प्रमुख, आईबी आदि। ठीक है, राजनीतिक परिषद और कार्यकारी परिषद का गठन किया है और साथ ही भारतीय परमाणु कमान प्राधिकरण का भी गठन किया है भारतीय परमाणु कमान प्राधिकरण का गठन करके इसे व्यवस्थित स्वरूप दिया है। जिसमें C4 प्लस I2 का सिद्धांत अपनाया गया है।
जिसमें C4I2 का सिद्धांत अपनाया गया है। ठीक है, इसमें जो है नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन, ये भी शॉर्ट नोट्स आता है, इसका पहले भूमिका। भूमिका में ही जो है उसके दो तीन जो प्रावधान है उसी भूमिका में ही लिखा जाएगा। और फिर इस जो है इसकी आवश्यकता क्यों, मतलब इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, आवश्यकता क्यों, इसका क्या महत्व है, और फिर इसकी समस्या, समस्या से मूल्यांकन साठ नोट्स आता है, बड़ा नहीं पढ़ना है। देखिए मतलब कि नो फर्स्ट यूज का मतलब यह हुआ कि एक विचार है, जब कोई देश जो है युद्ध के समय परमाणु हथियार का प्रयोग जो है अपने दुश्मन राष्ट्र पर जो है देखा जाए तो शख्स के रूप में नहीं करता है। दुश्मन जो है यदि मान लीजिए आक्रमण करता है अन्य माध्यमों से, तो परमाणु हथियार का प्रयोग शख्स के रूप में नहीं करेगा। ये जो पहलू है इसी को हम लोग नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन कहते हैं। तब जानते हैं कि सबसे पहले इस नीति का प्रयोग जो है चीन ने किया था। चीन ने 1964 में जो है वो देखा जाए तो इसको एफयू कहा जाता है, तो एमएफयू जो पॉलिसी है उस नीति का प्रयोग सबसे पहले चीन ने किया। इसके बाद देखे होंगे 1982 में सोवियत संघ ने भी अपने यहां लिख दिया था। फिर जो है वो देखा जाए तो एक वर्ष के बाद ही, सॉरी 10 वर्ष के बाद ही जब रूस बन गया उसे हटा लिया, पता नहीं तो रूस इस नीति को सोवियत संघ ने तो 1982 में लिखा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो देखा जाए तो रूस ने जो है जब रूस बना तो उसे 2 वर्ष के बाद इस नीति को हटा दिया। अब फिर आप देखे होंगे कि 1998 में भारत ने इसका प्रयोग किया। इसका मतलब कि वर्तमान में 2 ही देश इस नीति का प्रयोग करते हैं, चीन और भारत, और किसी देश ने जो है वो देखा जाए तो नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन का प्रयोग नहीं किया है। चलें भूमिका लिखिए, ऐसा विचार जब कोई देश, ऐसा विचार जब कोई देश युद्ध के समय, युद्ध के समय परमाणु हथियार का प्रयोग अपने दुश्मन राष्ट्र पर, परमाणु हथियार का प्रयोग अपने दुश्मन राष्ट्र पर शस्त्र के रूप में नहीं करेगा, शस्त्र के रूप में नहीं करेगा, हाँ शस्त्र के रूप में नहीं करेगा जब तक कि दुश्मन देश इसका प्रयोग न करे, जब तक कि दुश्मन देश इसका प्रयोग न करे,
जब तक कि दुश्मन देश इसका प्रयोग न करे। सर्वप्रथम चीन ने 1964 में एनएफयू का प्रयोग किया, नो फर्स्ट यूज एनएफयू का प्रयोग किया। 1982 में सोवियत संघ ने भी अपने यहां इसे लिखा। लेकिन 1993 में रूस ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया। 1993 में रूस ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया अन्य किसी देश ने एनएफयू को नहीं अपनाया है। तो पाकिस्तान ने भी नहीं अपनाया, या अमेरिका ब्रिटेन कुछ नहीं, किसी देश ने नहीं। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि परमाणु बम आपने बना लिया, लेकिन भारत जो है अभी भी देखा जाए तो विश्व राजनीति में उतनी भूमिका नहीं निभाता जितना अमेरिका निभा रहा है, जितना चीन निभा रहा है। अरे भाई, हमें कहते हैं एनएसजी का भी सदस्य नहीं है, यूएनएससी का भी स्थायी सदस्य नहीं है, अनेक संस्थाओं का सदस्य नहीं है, तो कहीं ना कहीं विश्व राजनीति में उतना सक्रिय तो है नहीं। तो भारत को यह लगता है कि नो फर्स्ट यूज नीति का हमने जो प्रयोग किए हैं उससे भारत परमाणु बम बनाने के बाद भी जो अपनी छवि में सुधार ला सकता है। छवि में सुधार लाकर जो है नो फर्स्ट यूज नीति के माध्यम से अपनी छवि में सुधार लाकर भारत जो अन्य संस्थाओं का जो है आसानी से सरलता से सदस्य बन सकता है, क्योंकि भारत कह सकता है कि भाई हम पहले परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेंगे। ये कहने से कम देखा जाए तो आप जानते हैं कि भारत की छवि सुधरेगी। एक सबसे बड़ा कारण तो यही है। नंबर एक, भारत अभी भी विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहा है। एनएसजी, यूएनएससी, आदि का सदस्य नहीं है। अतः एनएफयू के माध्यम से अपनी छवि को सुधार कर सकता है, अपनी छवि को सुधार कर विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। देखिए, इसको एक डिट्रिंग सिद्धांत भी कहा जाता है, एक निवारक सिद्धांत भी कहा जाता है। निवारक सिद्धांत इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो है बैलेंस स्थापित करने का भी प्रयास करता है। अभी बताइए कि पाकिस्तान चीन आपस में मिलकर यदि आक्रमण करेंगे तो उतनी शक्ति तो हमारे पास नहीं है भाई, चीन के बराबर भी तो शक्ति नहीं है। तो चीन पाकिस्तान मिलकर आक्रमण करेंगे तब कहां शक्ति रहेगी। तो भारत को लगा कि ये जो एनएफयू है
वो कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थिति में जो है वह परमाणु बम का प्रयोग जो न करने की बात है उससे यदि मान लीजिए चीन पाकिस्तान रूस ये सब जो देख रहे हैं कि यूक्रेन संकट में जो गठबंधन सब बना है उस गठबंधन पर नैतिक दबाव बनाने में यह सिद्धांत कारगर है, क्योंकि कम से कम दूसरा देश तो सोचेगा कि यदि आदमी फर्स्ट यूज का सिद्धांत देता है परमाणु बम पर हमला नहीं करेगा और ऐसी दशा में हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो यह कम से कम एक नैतिक दबाव बनाने का प्रयास करता है। नंबर दो, यह अवधारणा निवारक सिद्धांत के रूप में है, डिट्रेंट आप लोग पढ़े भी डिट्रेंट तो थ्योरी पढ़ाए भी था, निवारक सिद्धांत के रूप में है। क्योंकि वर्तमान यूक्रेन संकट की परिस्थिति में चीन पाकिस्तान रूस ईरान का गठबंधन मजबूत हुआ है, इस विपरीत परिस्थिति में नैतिक दबाव बनाने में यह सिद्धांत कारगर है। तीसरा देखिए, एक तो ये होता है कि भारत की जो विदेश नीति रही है, चाहे पंचशील सिद्धांत रहा हो, चाहे शांतिपूर्ण शासित रहा हो, गुप्त निरपेक्ष आंदोलन रहा हो, इन सब चीजों से नो फर्स्ट यूज नीति जो मेल खाता है। तो भाई आपका जो देश है, जो बेसिक जो फॉरेन पॉलिसी है, उस बेसिक फॉरेन पॉलिसी से ही आपका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी मेल खाना चाहिए, इसलिए भी इस चीज को हम लोगों ने अपना लिया। क्योंकि आप अहिंसा के पुजारी हैं तो कहीं ना कहीं परमाणु नीति में भी तो अहिंसा दिखाई देना चाहिए कि हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे, तो उससे मेल खाने के लिए इस नीति का प्रयोग किया गया कि भाई जो हमारी जो पंचशील का सिद्धांत रहा, गुप्त निरपेक्ष आंदोलन रहा, वो जो हमारे विदेश नीति का आधार था, उस आधार पर कोई आंच ना आने पाए। लिख दीजिए, भारत की विदेशी नीति का आधार पंचशील, गुप्त निरपेक्ष आंदोलन, देखिए तो नोट्स में लिखा है, थोड़ा सा आप लोग भी पढ़िएगा, मैं थोड़ा कम लिखवा दूंगा। किसी पेन नोट से उसमें परमाणु नीति है, देखिए अच्छा लगेगा। टॉपिक सब पढ़ लीजिए, पढ़ा सब दूंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि छोड़ने से देखिए आप घर पे जाके नहीं भी पढ़ेंगे तब भी 150 सब लिख लेंगे। आईएस में आया भी क्वेश्चन, किसी का पेपर अगर देखिए आईएस में आया है, नो फर्स्ट यूज नीति आया भी है, ऐसा नहीं है, आता भी क्वेश्चन ये सब, पढ़ा सब दूंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं, कहानी भी सुने रहेंगे, थोड़ा सा लिख के चलाएंगे तब भी हो जाएगा, कुछ जरूरी नहीं होता कि सबको तीन तीन चार चार पेज नहीं पढ़िए। जैसे नहीं, अब तो लिखवा ही रहा हूं, इसको देख तो लू तो लिखा कहां है, पेज नंबर कहीं पर लिखा तो होगा ही, कंफर्म कोई बात नहीं, अभी एक मिनट। ये 7 से 11 वाला है तो इसमें थोड़ा ना होगा, ये 7 से 11 वाला है ना, ये तो हम लोग का टॉपिक कौन सा चल रहा है, साथ ही तो चल रहा है, साथ में तो होना ही चाहिए, नहीं होगा फिर उधर लिखा गया होगा, क्या बोलते हैं उस वाले बुकलेट में, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का है। अच्छा
अच्छा भारत की परमाणु नीति उसमें, अच्छा हाँ यहाँ पर है ये पहले प्रयोग न करने की नीति पेज नंबर 33। एक और लिखिए कि लिख रहे थे ना पंचशील गुट निरपेक्ष आंदोलन शांतिपूर्ण अस्तित्व शांतिपूर्ण अस्तित्व जैसे सिद्धांत रहे हैं जैसे सिद्धांत रहे हैं इन सिद्धांतों से नो फर्स्ट यूज नीति मेल खाता है। इन सिद्धांतों से नो फर्स्ट यूज नीति मेल खाता है। अब भारत के अहिंसावादी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि चीन ने नो फर्स्ट यूज जब नीति लिखा है तो देखा जाए तो चीन पर नैतिक दबाव बनाने के लिए कि चीन अपनी नीति में परिवर्तन न करे। भाई चीन ही तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, अमेरिका वहां से थोड़ी ना आगे लड़ने के लिए, इतना गांव उसके पास टाइम है। तो हम कहते लड़के हम उसे करेगा क्या, कौन सा स्वार्थ उसका पूरा होना है। तो अमेरिका युद्ध भी तो इसीलिए करता है जिससे उसका स्वार्थ कुछ पूरा हो। तो अब चीन का स्वार्थ पूरा हो सकता है तो चीन भी नो फर्स्ट यूज लिखा है, हमने भी लिख दिया, एक तो बैलेंस ऑफ पावर बन गया। और दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश भी मान लीजिए नेपाल भूटान मालदीव ये सब जो देश हैं तो कहीं ना कहीं इस नीति के कारण ये भी देश सोचे कि नहीं भारत पहले ही जो है वो देखा जाए तो उत्तरदायी राष्ट्र बन गया है कि हम परमाणु जो है वो देखा जाए तो जिसके पास परमाणु बम नहीं है उस पर हम परमाणु हमला नहीं करेंगे, भारत ने लिख दिया ना, या भारत जो है वो देखा जाए तो पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। इसका मतलब कि पड़ोसी देशों में विश्वास बहाली की जो प्रक्रिया है वो बनी रहे। चीन भी चीन को भी हम काउंटर कर सके, चीन पर नैतिक दबाव बना सके, बैलेंस ऑफ पावर भी हमारा बना रहे कि भाई ये भी तो चीन पर दबाव रहेगा कि भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का प्रयोग करता है तो हमको भी इस नीति में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात है कि चीन विश्वास करने वाला देश नहीं है। देखिए एनएफयू के रहने से चीन पर भी नैतिक दबाव बना रहेगा कि एनएफयू के रहने से चीन पर भी नैतिक दबाव बना रहेगा कि नैतिक दबाव बना रहेगा कि वो अपनी नीति में परिवर्तन न करे, वो अपनी नीति में परिवर्तन न करे। इससे शक्ति संतुलन बना रहेगा, इससे शक्ति संतुलन बना रहेगा। इससे शक्ति संतुलन बना रहेगा और दूसरी ओर भारत के पड़ोसी देश भी भारत को उत्तरदायी और संवेदनशील राष्ट्र के रूप में समझेंगे। अब पैराग्राफ के लिख दीजिएगा, उपरोक्त तालों से स्पष्ट है कि एनएफयू भारत की आवश्यकता की पूर्ति करता है, एनएफयू भारत की आवश्यकता की पूर्ति करता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता परमाणु खतरे को बढ़ावा दे रही है,
चीन भी आक्रामक मुद्रा में दिखाई दे रहा है, यूक्रेन संकट के बाद विश्व व्यवस्था में भी परिवर्तन आया है, यूक्रेन संकट के बाद विश्व व्यवस्था में भी परिवर्तन आया है। अतः वर्तमान सरकार सहित कुछ विचारकों का मानना है कि वर्तमान सरकार सहित कुछ विचारकों का मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसमें परिवर्तन किया जाए। वर्तमान सरकार सहित कुछ विचारकों का मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसमें कुछ परिवर्तन किया जाए। अब देखिए एक दो जो मुद्दे हैं इसमें जो आ सकता है, क्योंकि देखिए जो इसमें दो मुद्दे हैं। एक तो मुद्दा जो है विभिन्न देशों के साथ परमाणु समझौते का है, वहां से प्रश्न आ सकता है, और एक जो है परमाणु जन उत्तरदायित्व जो कानून है, और एक मुद्दा तो जैसे मान लीजिए दक्षिण कोरिया का परमाणु मुद्दा है चाहे ईरान का परमाणु मुद्दा है, वो तो मान लीजिए कहानी में बोल दूंगा। लेकिन दूसरे देशों के साथ जो परमाणु समझौता है और परमाणु जन उत्तरदायित्व जो कानून है, वो दोनों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका साथ आजकल देखते तो हैं सिलेबस कुछ लिखा रहता है, पूछता रहता है क्या किया जाए, इसलिए थोड़ा सा तो इधर उधर हट के पढ़ना ही पड़ेगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।